दोस्तों नमस्ते। माय न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये है आपके पार्टनर की दोपहर की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स आपके लिए। करेंट सिचुएशन क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं और क्या वो एक्शन लेना चाहते हैं। तो मेरे व्यूअर्स, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत व्यूअर्स की आपके पार्टनर तरफ से कॉल मैसेज आया है, बातचीत हो रही है और यूनियन भी हुई है। अब चलिए देखती हूँ दोपहर की एनर्जी में। बहुत व्यूअर्स अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हो, तो चलिए मैं देखना चाहती हूँ कि क्या आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होगी। तो ज़रूर आप इस वीडियो पर बने रहें और पूरा वीडियो सुने, इसलिए कि मैं इसमें गाइड भी करती हूँ प्रॉपर ढंग से और आप लोग को मोटिवेट करती हूँ सही रास्ता जाने के लिए, सही दिशा देखने के लिए। कहा जाता है कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। तो अगर आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, अगर आप सोल में जर्नी, ट्विन जर्नी में हो, या काफ़ी लंबे समय से आपके पार्टनर कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कृष्णा क्या कहना चाहते हैं आपको पता है? देखिए, कृष्ण कर्म के देवता हैं, लेकिन सबको एक समान देखते हैं व्यूअर्स, ठीक है? आप सोल सिस्टम, मेरे सोल ब्रदर्स, मैं कहना चाहूँगी कि जो कृष्ण भगवान हैं, देखिए उनके लिए सब एक समान है, लेकिन हर इंसान अपने अपने कर्म करता है, अच्छे हो बुरे हो। ये आगे पीछे नहीं सोचता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है? और इसका फल मिलता ही मिलता है। किसी वजह से इस लाइफ में जब आपको ये ज़िंदगी मिली है, इस लाइफ में आप अच्छे कर्म नहीं कर पाते हो या अच्छा कुछ नहीं करते हो, तो व्यूअर्स आपको या कोई भी इंसान हो, हम हो, आप हो या कोई और आपके पार्टनर क्यों ना हो, उनके दोबारे से जन्म होते हैं, फिर वही साइकिल रिपीट होती है। क्योंकि कृष्णा हो, यूनिवर्स, डिवाइन, महाकाल क्यों ना हो, वो कहते हैं कि तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, ठीक है? देखिए, देखा जाए तो कृष्ण कहते हैं सबकी रक्षा करते हैं, ठीक है? धर्मी जो होते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, उनको वो उचित फल देते हैं, ठीक है? और जो अधर्मी होते हैं, जो गलत करते हैं, पाप करते हैं, दूसरों को रुलाते हैं, किसी प्रकार उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनको धोखा और चीट करते हैं और उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं, किसी प्रकार का धोखा और चीट करते हैं, तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि उस अधर्मी को दंड देते हैं, ठीक है? लेकिन कृष्ण कहते हैं उनकी नज़रों में सब लोग एक समान हैं, सिर्फ इंसान को बदलने की ज़रूरत है। अगर बुरे कर्म भी करें तो उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? तो कृष्ण कहते हैं हर हाल में मैं सबसे प्यार करता हूँ, बट जो धर्मी है उनको उचित फल देते हैं, जो गलत करता है, जो अधर्मी है, उसे दंड मिलता है, ठीक है? तो इतना याद रखिए कि कर्म बहुत बड़ी चीज है, कर्मों का फल मिलता है, इसलिए आप पेशेंस रखिए, विश्वास कीजिए, आपके साथ भी अच्छा होगा जब आप पॉजिटिव सोचे हो और इंटेंशन सही रखते हो। सबसे बड़ी कहा जाता है बाबू की धोखे और चीटिंग और बर्बादी का जो आपको कारण कोई भी हो, अपने ऊपर काम करते हो तभी उनके लाइफ में ये ऑब्स्टिकल आते हैं, यानी कि उनको सीख भी मिलते हैं, सजा भी मिलती है। तो कृष्ण भगवान का जो व्हील ऑफ फॉर्चून जो साइकिल है ना, कर्मा साइकिल, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ कहना चाहता है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, कुछ आपको देना चाहते हैं, आपको बेहतर करना चाहते हैं। तो चलिए, हो गया कृष्ण का ज्ञान, बहुत ज़रूरी है ताकि मेरे बहुत व्यूअर्स को ज्ञान नॉलेज की ज़रूरत है। अगर स्पिरिचुअल जर्नी में है, अगर स्ट्रक को परेशान हो, तो इस चीज़ को फॉलो कीजिए, ठीक है? चलिए, मैं आप लोग को हीलिंग प्रोवाइड कर देती हूँ। मेल फीमेल मैरिड एंड मैरिड सबके लिए बाबू, ठीक है? बस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, ठीक है? चलिए, आप लोग को हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ। आँखें बंद कीजिए, माइंड बॉडी सोल को बिल्कुल पॉजिटिव कीजिए। जो भी आपके इष्ट हैं, मेरे कृष्ण गोविंद महाकाल का नाम ले सकते हैं, अर्थ मदर फेरी मदर यूनिवर्स का नाम ले सकते हैं, जपा जाप कर सकते हैं और अपने पर्सन के बारे में सोचिए, ठीक है? इंटेंशन सही रखिए और चलिए यहाँ पे आंखें बंद कीजिए और लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। चलिए स्टार्ट करती हूँ।
ये आप लोग के लिए हुआ। अब मैं यहाँ पे, अगर आपके पार्टनर आपके स्कूल में ट्विन है, ये कार्मिक की नहीं हो सकती बाबू, क्योंकि कार्मिक ऐसे होते हैं कि उनको समझना मुश्किल होता है। हाँ, अगर सोलमेट है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो अपने तरफ से हीलिंग प्रोवाइड करें। मैं यहाँ भी जितने व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के लिए मैं हीलिंग प्रोवाइड कर देती हूँ। देखिए, अपने माइंड बॉडी सोल को जरूर ये सबके लिए हो गया, या आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके सोल, आपके माइंड, आपके स्पिरिट के लिए हीलिंग प्रोवाइड कर दिया। लंबी सांस लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। हमेशा कोई प्रॉब्लम्स होती है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी में क्या कुछ आ रहा है। जय महाकाल, हर महादेव, जय काशी विश्वनाथ की जय। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। चलिए पहले ओम चैंटिंग करती हूँ, ठीक है। ओम पीस और शांति, बैलेंस के लिए, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग करने के लिए, अपने स्ट्रेंथ में आने के लिए, अपना इंट्यूशन पावर स्ट्रांग करने के लिए, अपनी खुद की हीलिंग करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी के लिए और गॉड से कनेक्शन करने के लिए। अगर आप पार्टनर को टेलीपैथी करते हो तो ओम चैंटिंग से आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होता है और आपकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आपका जो एनर्जी है, आपका जो पार्टनर का मैसेज है, एकदम से स्टार्ट हो जाता है, एकदम से उनके तरफ मैसेज जाने लगता है। तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती भी है, ठीक है। और ओम नमः शिवाय का जाप करें, ओम चैंटिंग जरूर करें। स्वास्थ्य, सुख और शांति, समृद्धि के लिए, तरक्की के लिए, बरकत के लिए, नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, प्रेम के लिए, विश्वास के लिए और अहंकार को त्यागने के लिए, खुद के और खुद के फैमिली के लिए प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है। चलिए, जय अर्थ मदर, फेरी मदर गाइड करें। मैं जरा अरकाना से लेती हूँ, एक कार्ड लेती हूँ। करेंट सिचुएशन में उनके फीलिंग्स क्या है आज दोपहर की एनर्जी में, कॉन्टेक्ट में और नो कॉन्टेक्ट में, सबके लिए है। ओम भूर्भुवतःसवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियोन प्रचोदयात्। 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 दोपहर की एनर्जी वन कार्ड प्लीज एंजल्स, द हायरोफैंट, द हर्मिट की एनर्जी है, ठीक है। द फूल की एनर्जी है, बट मैं द हायरोफैंट की एनर्जी निकालूंगी, ठीक है, द हर्मिट। चलिए मैं लास्ट में कार्ड देखूंगी, जस्ट प्लीज गाइड करें। ऑल आर के दिव्य शक्ति गाइड करें, राधा रानी गाइड करें। मैं यहाँ देखना चाहूंगी, अगर आप इनसे मैरिज करना चाहते हो, क्या वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये भी मैं देखूंगी, ठीक है। कुछ योर कमिटमेंट मैरिज से रिलेटेड भी सोच रहे हो, है ना, तो चलिए वो भी आज मैं देखती हूँ। जस्ट प्लीज गाइड करें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, राधे 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 राधे। यहाँ तो दिल बना है, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स और थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी यानी तुला, कुंभ और मिथुन राशि, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, हिंदी बोल दूं, मीन कर्क और वृश्चिक, मकर वृषभ और कन्या, तुला कुंभ और मिथुन, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन दिखाई दे रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है। एस यू भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एस यू वी जे के एन एस, ये मुझे यहाँ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है। देखिए मैरिज से रिलेटेड अगर कार्ड आया, द हायरोफैंट, इसलिए मैं बोल रही हूँ मैरिज से रिलेटेड भी मैं आपको यहाँ देख लूंगी, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे जो एनर्जी है, सबसे बड़ी बात, कुछ व्यूअर्स आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, किसी के पार्टनर गुस्से में है और ईगो में है, ठीक है।
किसी के पार्टनर गुस्से में है और ईगो में है। तो ये ईगो से डील क्यों कर रहे हैं आपको पता है? किसी ये कार्मिक से डील कर रहे हैं जो इन्हें, शंख की आवाज आ रही है, चलिए कार्मिक की किसी की एंडिंग हो, ईश्वर करे आप सबकी खुशियां, आपके पार्टनर से जो है आप लोग का पार्टनर का प्यार मिले, रिश्ता स्ट्रांग हो, क्योंकि शंख बजा। जैसे ही मैं बोलने जा रही थी ना व्यूवर्स कि कोई ने मैनिपुलेट करती है, कार्मिक एंडिंग है, तो देखिए शंख की आवाज आई। धन्यवाद धन्यवाद। तो यहाँ पे किसी कार्मिक की एंडिंग दिखाई दे रही है व्यूवर्स, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, जो भी है आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रही है या कर रहा है या फिर मैनिपुलेट कर रहा है या कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको ये पर्सन बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। कुछ व्यूअर्स आप लोग की रियूनियन हो चुकी है, जिनकी नहीं हो पा रही है, यहाँ पे ये दिख रहा है ये जो भी इनके लाइफ में है आपके लाभे, वो आपके पार्टनर पे बहुत ज्यादा डाउट करना, कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, ये वाली एनर्जी है रियर, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर हर हाल में वहां से निकलना चाहते, स्टक वाली भी एनर्जी है। और कुछ आपके पार्टनर एक्शन ले चुके हैं और कुछ के पार्टनर एक्शन लेने वाले हैं, एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे बहुत व्यूअर्स आप कमेंट में लिखेंगे कि जिनकी एक नई शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। शंख की आवाज सुनिए, सुना आपने? ओम नमः शिवाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः शिवाय, नमः शिवाय। शंख की आवाज़ आना बहुत अच्छी बात है, होता है ना, मैं मॉर्निंग में बजाती हूँ। इससे क्या होता है ना, आप जितना दूर तक शंख की आवाज़ लेकर बजाओगे छोड़ोगे तो वहाँ तक नेगेटिविटी नहीं आती है। मैं मॉर्निंग में ही जब पूजा करती हूँ, मैं बचपन से अब तक का सफ़र मैंने जो पूरा किया है अब तक का, सब दिन मैं शंख बजाती हूँ सुबह और शाम, ठीक है। मैं सुबह और शाम शंख बजाती ही बजाती हूँ और मैं बचपन से ही बजाती हूँ। तो शंख की आवाज़ आना बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। उसमें भी आज सोमवारी है, इस बार दो महीने की सावन है ना, तो आप लोग की इच्छा पूर्ण हो, ईश्वर करे मैरिज से कमिटमेंट से भी बातचीत हो रही हो। तो बाबू मैं थोड़ा गाइड कर देती हूँ, इसलिए कि आप लोग को अगर स्पिरिचुअल जर्नी थोड़ा ज्ञान नॉलेज मिले, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके पार्टनर स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें तकलीफ हो रही है क्योंकि थर्ड पार्टी इन्हें मैनिपुलेट कर रही है, इन्हें जजमेंट की एनर्जी आ रही है। तो इन्हें हो सकता है आने वाले टाइम में स्ट्रांग ये डिसीजन लें और ये अपने पावर में आना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, ये अपनी पावर में आना चाहते हैं। देखिए कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मैरिज की बात हो रही है, अगर आपके पार्टनर की ट्रेडिशनल मैरिज हो गई है आपसे या किसी और से, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मैरिज की तो प्लानिंग कर रहे हैं जो कि ट्रेडिशनल वे में करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं चाहते हैं, कोई नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक हो, ये तो दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सही डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर एक सही डिसीजन लेना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर एक सही डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, थर्ड पार्टी इशू हो, लेकिन यहाँ पे देखिए कि दिल के साथ साथ यू की एनर्जी आई है, यानी कि आपके पार्टनर जो है यू टर्न लेते हुए नजर भी आ रहे हैं और ये बहुत स्ट्रांग आपके लिए फाइट भी कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन अपने पेरेंट्स हो, फैमिली हो, थर्ड पार्टी हो, ये सबको मना मना कर थक चुके हैं, ये हार चुके हैं। शंख की आवाज सुनिए, देखिए आपके पर्सन को सच्चाई दिख रही है, ठीक है। लेकिन नजर आप पर टिकी हुई है आपके पर्सन को, ठीक है। उनके दिल और दिमाग में अगर आप दोनों के में कुछ गलत फहमियां हुई है, तो कुछ इस बात को लेकर भी आपके पार्टनर के मन में थोड़ा गिल्ट है। कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे हैं बाबू, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज्ड है। लेकिन ये देखिए होता है ना, इंसान जब आप भाव नहीं देते हो, अटेंशन नहीं देते हो, तो अपने गलतियों को ये काउंट नहीं करते हैं। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर यहाँ ऐसे भी हैं जो ईगो से डील करें, गुस्सा से डील करें, कि शायद आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हो कि आपको वो क्यों इंतजार करवा रहे हैं,
क्योंकि ये पर्सन आपसे शेयर भी नहीं कर रहे हैं और ये पार्टनर आपको फ्यूचर को लेकर ये प्लान कर रहे हैं। देखिए, कुछ अगर आप इंडिपेंडेंट हो, नो डाउट, तो आप स्मार्ट भी हो सकते हो, है ना, तो फिर इनको आप क्यों नहीं समझते हो। ऐसा वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, वो कह रहे हैं कि जब आप कुछ अपने आप पर इंडिपेंडेंट हो बाबू, तो फिर क्यों नहीं समझते, आप भी हार्डवर्क करते हो, वो भी हार्डवर्क करते हैं, वो हर कुछ को हैंडल कर रहे हैं, आप उनके प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ जो दिखाई दे रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा कन्फ्यूज हैं, लेकिन इरादा की बात की जाए, इनके इंटेंशन की बात की जाए, तो आपके लिए सही है, वो आपके लिए सही सोचते हैं, समय आने पर अपनी गलतियों का ये माफ़ी भी मांगेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। और देखिए, आप दोनों के रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है, ये फ्यूचर को लेकर भी सोच रहे हैं, जो बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं और ये सोच समझकर डिसीजन लेना चाहते हैं। द हेरोफाइंड की एनर्जी भी आई है डियर, आप सोच सकते हो। तो शायद आपके पार्टनर को इस वक्त हो सकता है, आपको लगता है कि आपके पार्टनर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बाबू इनको फर्क पड़ रहा है, ठीक है। कहा ना, ये डिसीजन लेना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, थोड़ा आपको उन्हें समझना होगा, ये आपको कहना चाहते हैं। देखिए, इनके बात बात पे गुस्सा आता है, देखिए अभी भी मैं वही एनर्जी देख रही हूँ, बात पीछे, हर बात के पीछे इनके ऊपर एक होता है हैवी एनर्जी, गुस्सा की एनर्जी जो हावी हो जाता है, जिसकी वजह से लगता है कि मुझसे कुछ गलती होती ही नहीं है, सिर्फ गलती आपसे होती है। कभी कभी इनका मूड ऐसा भी हो रहा है, क्योंकि बहुत के पार्टनर हरमिट मूड में भी है, ठीक है, हरमिट मूड में है और ये आपसे बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको याद कर रहे, मिस कर रहे व्यूअर्स, लेकिन उनका नेक्स्ट एक्शन जो दिखाई दे रहा है, ये यू टर्न लेना चाहते हैं। शंख की आवाज आ रही है, बहुत अच्छी अच्छी एनर्जी में शंख की आवाज आ रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यू टर्न लेना चाह रहे हैं, यू टर्न लेने भी वाले हैं, ठीक है। तो मूड आपके पार्टनर का कुछ, जो अभी भी द हर्मिट की एनर्जी आप देख सकते हो, इनके मन में स्ट्रेंथ आ रहा, कार्ड भी बहुत खूबसूरत आई है। कैसे नहीं होगा आपका रियूनियन, कैसे नहीं होगा रियूनियन, कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, द चैरियट की एनर्जी है, द लवर्स की एनर्जी है, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, आ रहे हैं, इस फीलिंग्स को वो समझ पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा ये कहना चाहते हैं कि आप उनको समझो, इनके लाइफ के प्रॉब्लम्स को समझो। अगर कॉल मैसेज भी करते हो तो भी वो रिप्लाई नहीं देते, क्योंकि इनके दिमाग में कुछ ऐसा ईगो हो गया कि आप बदल गए हो, आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, मतलब होता है ना, कभी कभी डाउट की वजह से आप पर ब्लेम भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, और उनके लाइफ में ऑब्स्टिकल भी है, तो आप नहीं समझ रहे हो, तो आपको भाव भी नहीं दे रहे हैं, और कुछ वर्ष प्यार है बट वो आपको भाव नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे एनर्जी को वो भाव नहीं दे रहे, लेकिन इस रिश्ते को वो बेहतर बनाना चाहते हैं, नो डाउट, इस रिश्ते को वो बेहतर बनाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपको आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि अगर आप उनसे फाइट करते हो, गुस्सा करते हो, उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आप अपने नजरियों को बदलिए, उनकी फीलिंग्स को समझिए, ठीक है, गुस्सा उन पर मत कीजिए, वो कितना खुद को बदलेंगे। और इनकी जिद है डियर, देखिए, अगर सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं मैं जैसा हूं मैं वैसा ही सही हूं, ठीक है, थोड़ा नखरा भी दिखा रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन इनको फर्क पड़ रहा है भैया, क्या आप उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो, इनको फर्क पड़ रहा है, और किसी के पार्टनर यहां पे मुझे लग रहा है कि उन्हें स्पेस चाहिए व्यूअर्स, और ये स्पेस देना भी जरूरी है, तभी इनको पता चलेगा आपके रिश्ते की और आपके प्यार की अहमियत, इनको स्पेस चाहिए, ये बातचीत नहीं कर रहे व्यूअर्स आपके पार्टनर, जो भी है, जो इनको स्पेस चाहिए और नाराजगी जता रहे, लेकिन डियर इनके मन में है रिश्ते को बेहतर करना। अगर मैरिज की बात चल रही है आपकी दोनों की, तो देखिए ये टाइम लेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन देखिए द हेरोफेंट है, रियूनियन तो चाह रहे हैं 100%, ये रियूनियन चाह रहे हैं आपसे, उत्सुकता है आपसे मिलने की, रियूनियन नामे आने की, इनको पता है कि अगर आप इन्हें नहीं मिले तो ये टूट जाएंगे, क्योंकि इनका सोल, इनका स्पिरिट आपको ही ढूंढता है, इनको पता है, भले इनके नाक पर ईगो और गुस्सा होता है, लेकिन ये रिश्ता क्या है, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन बहुत व्यूअर्स एक्शन लेने वाले हैं, और बहुत व्यूअर्स एक्शन आपके पार्टनर ले चुके हैं, तो जरूर बाबू मेरे कमेंट में लिखना, लोगों की मदद करना, ठीक है, लोग खुद को मैनिपुलेट करते हैं।
देखिए कोई यहाँ पे ऐसे भी आपके पार्टनर जो आपसे बेपनाह प्यार करते हैं, वो कमिटमेंट, देखिए संघ की आवाज, कमिटमेंट देना चाहते हैं, यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए, संघ की आवाज आ रही है, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, लेकिन उनको ट्रिगर किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है और इस वजह से आपसे बातचीत बंद कर देते हैं। लेकिन वो आपको पाना चाहते हैं, आपसे मैरिज चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। जहां आपकी बात होती है तो इनको कंट्रोल किया जाता है, ट्रिगर किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। ये उनकी एनर्जी है जिनके सच में आपके पार्टनर, देखिए जब जब मैं बोलती हूँ तब तब संख की आवाज आती है। ये बहुत बड़ा साइन होते हैं यूनिवर्स के, आज विश्वास नहीं करोगे, आज इतने सारे साइन मिल रहे हैं कि मैं यही पे बात कर रही हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे। मेरे यहाँ विंडो है, ठीक है, इस विंडो के सामने वो सारा कुछ भी होता है तो मुझे इस विंडो के सामने सारा साइन मिलने लगता है, ठीक है, चाहे वो पिजन का हो चाहे कुछ का भी हो। थर्ड पार्टी की एनर्जी यहीं से मिलती है। आप देखो द हायरोफेंट की एनर्जी जो आई है ना, आप विश्वास नहीं करोगे, ये फेदर मुझे यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। ये फेदर जो अभी अभी मैं वीडियो बनाने से पहले मैं आई तो यहाँ पे फेदर था, ठीक है। और फेदर मतलब यहाँ पे आना मतलब कि ब्लेसिंग्स है, एंजल्स चाहते हैं बाबू कि वो आपको सपोर्ट करे। आप देखो कुछ व्यूअर्स ने बोला कि मैं एंजल से बात कर रहा हूँ तो मुझे साइन मिलने लगे, किसी ने कबूतर का हेल्प किया, कोई कबूतर पिजन आकर उनकी हेल्प की, अच्छी बातें हैं। ये आपका अंदर का सोल है बेटा, आप नहीं जानते हो कि कितने अनमोल रत्न हो आप। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो बाबू मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे गाइड करना है आप लोग को, ठीक है। तो अगर जो नहीं समझ रहे हैं तो मैं क्षमा मांगती हूँ, सॉरी कहती हूँ। जो समझ रहे हैं तो एंजल से आप कॉन्टेक्ट कीजिए, एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे, आप उसे साइन मांग कर देखिए, लेकिन अपनी इंटेंशन सही रखेंगे, आपको एंजल 100% साइन देंगे। शंख की आवाज आई, ये बहुत बड़ा साइन है। आज सावन की सोमवारी भी है, दो सोमवारी और है, ठीक है। देखिए इनके मन में क्या है, थोड़ा गुस्सा ईगो रहता है, लेकिन जो प्यार है ना ये वाली एनर्जी है, ठीक है। द चैरियट की एनर्जी, कृष्ण क्या कहते हैं, मैंने आपको शुरू में ही भी गाइड कर दिया, कृष्ण क्या कहते हैं, बाबू सब्र रखो, आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपको सफलता मिलेगा। देखिए इस वक्त बहुत वर्ष आपके पार्टनर यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ वर्ष आपके पार्टनर को कंट्रोल किया जा रहा है, ट्रिगर किया जा रहा है। देखिए उनको चाहे वो सोते हैं बैठते हैं उनके मोबाइल चेक किया जाता है, वो कहाँ जाते हैं उन पर नजर रखा जाता है, किससे बात करते हैं उन पर नजर रखा जाता है, कभी कभी आपके पार्टनर का मूड ऑफ हो जा रहा है। बहुत ज्यादा ये फील कर रहा है इस वक्त, आपको इमोशंस हाई दिख रहे हैं आपके पार्टनर को, उन्हें लगता है कि शायद, कभी कभी उन्हें लगता है, डियर एक्सप्रेस नहीं करते, उन्हें लगता है कभी कभी शायद वो आपके काबिल ही नहीं है, आप सब कुछ डिजर्व करते हो, ठीक है, शायद उनके आपके जिंदगी में वो डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी फैमिली और थर्ड पार्टी कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद आप वहां उस लायक नहीं हो, आप इतने अच्छे हो, बट ये आपसे कहते नहीं है, आप इतने अच्छे हो कि शायद इनकी फैमिली का हिस्सा बनने लायक नहीं, क्योंकि इनकी फैमिली ऐसी है कि आपको ट्रिगर कर सकती है, वो आपके खिलाफ रहती है, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो, शायद आप उस लायक नहीं हो जैसे इनकी फैमिली है। आप ये रिस्पेक्ट करते हैं बट एक्सप्रेस नहीं करते, प्यार करते हैं, इमोशनल होते हैं बट वो खुलकर नहीं कहते हैं, थोड़ा वक्त चाहिए इन्हें, मैरिज होगी ऐसा वो कहना चाहते हैं, आपसे मैरिज होगी ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं। देखिए कुछ के पार्टनर यहाँ पे करंट सिचुएशन में देखा जाए रियूनियन चाह रहे हैं, प्यार करते हैं, रिश्ते को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है नडियर, ये पर्सन जो भी हो, मेल हो फीमेल, आपके लिए लॉयल है, आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल है, भले ही इस वक्त ब्लॉकेज चल रहा हो, आप लोग के रिश्ते में टावर मूवमेंट आ रहा हो, थर्ड पार्टी आई हो या आया हो, बट ये मायने नहीं रखता, आप उनके सोल हो और ये कहना चाहते हैं कि आपके आपके लिए बहुत वो फील करते हैं। और देखिए अगर फ्यूचर की बात, मैरिज की बात की जाए तो ये पर्सन आपसे कह रहे कि थोड़ा इन्हें वक्त तो चाहिए, बहुत लॉयल है आपके लिए, ठीक है। देखिए ये पर्सन ऐसा है ना कि अपनी पर्सनालिटी का और अपने काम से इनको बहुत प्यार है, अपनी पर्सनालिटी और अपने काम से इन्हें बहुत प्यार है, और ये हार्ड वर्क करते हैं, काफी मेहनत करते हैं व्यूअर्स,
खुद की पर्सनालिटी भी बनाना चाहते हैं, अगर खुद की पर्सनालिटी है तो इनके लिए काम भी इम्पोर्टेंट है, ये और अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये सच है, ठीक है, ये आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, मैरिज भी चाहते हैं, आपके साथ भी रहना चाहते हैं। अगर कमिटमेंट मैरिज की बात हो रही है व्यूअर, तो आपके पार्टनर की जो पर्सनालिटी है आने वाले टाइम में निखरेगी और निखरने वाली भी है। ये ग्रो करना चाहते हैं, ये नेम फेम चाहते हैं, देखा जाए तो उनकी ट्रू इंटेंशन है वो आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इनकी सोच ऊंची है। हो सकता है कि किसी के पार्टनर ने, हो सकता है कि काफ़ी इन्होंने अपने लाइफ में अचीव भी कर लिया है कुछ और करना भी चाहते हैं। और अपना पहचान, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, अपना पहचान सोसाइटी और समाज में बनाना चाहते हैं। ये कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर की एनर्जी है कि अपनी सोसाइटी, जो सोसाइटी में अगर इनको कोई नहीं समझ पा रहा था तो ये अपने समाज में, सोसाइटी में अपना नाम, अपना होता ना, कुछ अचीव करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं। और आपके पार्टनर लोगों के लिए कुछ करना भी चाहते हैं व्यूअर्स, ठीक है, आपके पार्टनर कुछ लोगों के लिए करना भी चाहते हैं। इनकी प्लानिंग जो है, हो सकता है इनकी जो प्लानिंग है ना डियर, ये अब्रॉड से रिलेटेड भी है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि इस वक्त भी आपके पार्टनर अब्रॉड में हो, ठीक है, यहाँ अब्रॉड से रिलेटेड भी प्लानिंग है, जो कि बिजनेस, जॉब या कुछ और भी हो सकता है। कोई यहाँ पे डॉक्टर हो सकता है, ये भी हो सकता है, या वो स्टडी कर रहे हैं मेडिकल से रिलेटेड भी, ठीक है, लीडर भी, किसी प्रकार के लीडर हो सकते हैं या फिर हैं, ठीक है, एनजीओ वगैरह की प्लानिंग है या एनजीओ वगैरह चलाते हों, ये भी हो सकता है, या प्रोफेसर हो या टीचर हो, डॉक्टर हो, मेडिकल से रिलेटेड आप या आपके पर्सन की कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है व्यूअर्स, ऑफिसर हो, लीडरशिप की क्वालिटी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग, जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, ठीक है, फिजियोथेरेपी की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है, कोई ना कोई स्टडी कर रहा है या अपने गोल्स के ऊपर फोकस कर रहा है, या फिर इस एनर्जी में आपके पार्टनर हैं, बट इनको टाइम चाहिए, क्योंकि थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर प्लानिंग है, क्योंकि कुछ व्यूअर्स यहाँ आपके पार्टनर सोसाइटी समाज के लिए कुछ करना भी चाहते हैं, जो कि इंडिया के अलावे भी होता है ना, अब्रॉड हो, कहीं दूर देश में जाकर अपनी बिजनेस को करना, स्टडी करना, नॉलेज, ज्ञान, ये सब की। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, या फिर ये प्लानिंग कर रहे हैं फिजियोथेरेपी और मोटिवेशनल स्पीकर का, ठीक है, कोई ऑफिसर है या ऑफिसर की प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छे पोस्ट का, स्टडी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, दूर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आने वाले टाइम में आप दोनों चाहते हो कि दोनों एक साथ काम करो, चाहे अब्रॉड में हो या फिर कहीं भी हो। कुछ व्यूअर्स हो सकता है कि द लवर्स की एनर्जी आई है, हो सकता है फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे के साथ काम भी कर रहे हो, या आप दोनों की प्लानिंग हो, या फिर आप दोनों की मैरिज हो, तो भी डियर कि आप दोनों की प्लानिंग ऐसी हो। मैरिज से रिलेटेड वो थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि ये स्टडी, फ्यूचर प्लानिंग, अब्रॉड से रिलेटेड ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कोई मुझे लग रहा कि आर्किटेक्ट नहीं, यहाँ पे कोई हो सकता, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे वो चीज, आर्किटेक्ट कौन हो सकता है, कोई है क्या यहाँ पे, बताइएगा व्यूवर्स, ठीक है, हो सकता है डॉक्टर हो, नर्स हो, मेडिकल से रिलेटेड भी कुछ एनर्जी आ रही है। आर्किटेक्ट कोई है शायद, मुझे यहाँ पे वाइब्स बार बार आ रही है, ठीक है, लेकिन ये डिसीजन लेंगे व्यूअर्स, थोड़ा वक्त चाहिए अगर मैरिज से रिलेटेड है तो, लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि थोड़ा इन्हें वक्त चाहिए, अगर मैरिज से बात हो रही है तो थोड़ा इन्हें वक्त चाहिए, ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले टाइम में। अगर फ्यूचर में आप दोनों की मैरिज भी होती है, या आप दोनों साथ भी होते हो, आप दोनों की मैरिज नहीं भी हो रही है, अगर आप दोनों अपने अपने लाइफ में मैरिड हो, अगर आप सोलमेट जर्नी टू जर्नी में हो सकता है कि आप दोनों मिलकर आने वाले टाइम में एक दूसरे के साथ मिलकर काम भी करो, हो सकता है इंडिया से बाहर भी हो सकता है, कुछ लोग इंडिया में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी इमेज, अपनी सोसाइटी, अपने समाज के लिए कुछ कर दिखाना चाहते हैं और अपनी पर्सनालिटी को निखारना भी चाहते हैं,
किसी का जॉब भी है डियर, मुझे लग रहा है यहाँ। कुछ और तो आप लोग फ्यूचर में, क्योंकि द लवर्स की एनर्जी आ रही है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ना डियर कि आप दोनों के फ्यूचर में दोनों साथ भी करने वाले हो, या अब्रॉड में सेटल होने वाले हो, या फिर स्टडी कर रहे हो, या फिर स्टडी करने के लिए आपके पार्टनर अब्रॉड जा सकते हैं, लेकिन आपके तरफ फ्यूचर प्लानिंग है बाबू, ठीक है। यहाँ याद रखिए, करेंट सिचुएशन में द हायरोफेंट मैरिज की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है, सोच समझ कर वो डिसीजन लेने वाले हैं। देखिए द लवर्स की एनर्जी आ गई, रियूनियन स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, द चैरिट एक्शन लेंगे, लेकिन कुछ बातें हैं जो अभी भी आपसे ये छुपाएंगे। रियूनियन हो रही, अगर इनके हेल्थ इशू चल रही थी तो अब उनके हेल्थ इशू में रिकवरी होगी, उनके अंदर पावर भी आ रहा है। लेकिन शिव और शक्ति क्या जो एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, आप लोग रियूनियन के साइन मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जी है, और आपके पार्टनर की अभी स्ट्रेस या हेल्थ इशू वगैरह चल रही थी, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर अब पावर आ रहा है कुछ ना कुछ डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो हो सकता है कि हरमिट मोड से आपके पार्टनर निकल रहे हैं, एक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, और आपके तरफ ऑफर करने के लिए आ रहे हैं, और रियूनियन के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हायरोफ्रेंट ये भी कह रहा है डियर कि जो भी इनकी पोजिशन अच्छी हो सकती है, इस वक्त लीडर हो सकते हैं, जज वकील हो सकते हैं, अच्छे मतलब ऑफिसर हो सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ हो जाएगा, आपके पार्टनर आपको आपके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, तो इतना याद रखिए कि वो आपके साथ फ्यूचर जरूर देख रहे हैं, जो कि इनकी फ्यूचर प्लानिंग बहुत स्ट्रांग है और स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इनका जो गोल है, जो पर्पस है, वो है सोसाइटी, समाज, इमेज और बहुत सारी खुशियां। अपने फाइनेंसली मतलब ना डियर, फाइनेंस को लेकर बहुत ज्यादा सोचना, उसको और स्ट्रांग बनाना, इस तरह की एनर्जी है, और ये कुछ अचीव करना चाहते हैं ताकि आने वाले टाइम में कोई किसी को रोक टोक ना कर सके और आप दोनों एक हों, क्योंकि पर्सनालिटी और पैसे में एक पहचान होती है और दम होता है। आज कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, आने वाले टाइम में ये इनको कोई कंट्रोल नहीं करेगा। इनको पता है कि अगर सफर काटना है, पूरी जिंदगी काटना है, तो आपके जैसा जीवन साथी चाहिए, आपके जैसा जीवन भर जो साथी मिल जाए तो उनकी न्यारे न्यारे हो जाए, वारे न्यारे हो जाए, ठीक है। तो मैरिज से रिलेटेड भी बात निकल गई, कुछ व्यूअर्स आपकी रियूनियन होने वाली है, यू टर्न ले रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर बहुत व्यूअर्स आपके तरफ हो चुका है, ठीक है, आपके तरफ यू टर्न हो चुका है, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। साइन मैं बता दे रही हूँ फिर से, कार्ड ले लेती हूँ। एंजल्स लियो भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लियो बहुत स्ट्रांग यहाँ पे, लियो है, टॉरस है, एक्यूरियस है, जेमिनाई है, एक कार्ड इसमें से लूंगी। आ रहे हैं आपके पर्सन, पैशनेट फील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए नहीं निकालूंगी, पैशनेट है, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। देखिए पैशनेट एनर्जी, रोमांस की एनर्जी, न्यू बिगनिंग की एनर्जी, तो आ रहे हैं आपके पार्टनर व्यूअर्स, इससे ज़्यादा कार्ड क्या निकालूंगी। देखिए आ रहे हैं आपके पार्टनर, पैशनेट एनर्जी है, तो विश्वास कीजिए, आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। देखिए चाहे, देखिए एक बात मैं बोलती हूँ, यूनिवर्स और एंजल्स क्या कहते हैं, अपना इंटेंशन सही रखें। और पता है क्या होता है, जब आप इंटेंशन जो देने लगते हो ना, चाहे आपका इंटेंशन सही हो या गलत हो, तो अच्छे और बुरे याद रखिएगा, जैसा आपका इंटेंशन रहेगा वो चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे, वही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि इंटेंशन सही रहेगा, मैनिफेस्टेशन करोगे तो 30 साल 40 साल भी वो आपसे दूर है ना, तो वो आपके तरफ आएगा, लेकिन स्लोली, क्योंकि आपका इंटेंशन सही होना चाहिए और मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग होना चाहिए। वो सोया भी है तो वो जाग जाएगा, लेकिन जो बीच का ब्लॉकेज और कर्मा है, अगर पिछले जन्म का कुछ प्रॉब्लम्स है, एंसेस्टर की अगर हीलिंग ना हुई हो, वो सब रिलीज करना होता है। नहीं तो डियर, आपकी दिली इच्छा है, लाइफ में आगे बढ़िए, आपको लग रहा है इस रिश्ते में आप नहीं रह सकते, आपको मूव ऑन करना चाहिए, तो डिसीजन आपका है, खुद के पावर में आइए और डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। जिंदगी आपकी है, जिंदगी एक ही मिली है, खुल कर जीना सीखिए, ठीक है, जीना सीखिए, अपने सोल को पहचानिए, ठीक है। तो बहुत व्यर्स आपकी रीयूनियन होने वाली है, आपके पार्टनर पावर में है, लेकिन आपके पार्टनर को कोई ट्रिगर बहुत कर रहा है व्यूअर्स, ठीक है। तो मेरे गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा बाबू,
ठीक है, आप लोग के लिए मेहनत करती हूँ, गाइड करती हूँ। देखिए एनर्जी तो देखकर मैं चली जाऊंगी, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस और हीलिंग और मोटिवेट कौन करता है? अगर मैं ये नहीं करूंगी तो आप टेंशन में चले जाओगे, ओवर थिंकिंग करोगे, आपके हेल्थ इश्यू हो जाएगी, फिर आपके अंदर से जो ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है। कृष्णा कहते हैं कि तुम अच्छे कर्म करो, मैं आपको आपके रास्ता दिखा रही हूँ, और बहुत लोगों को मैंने रास्ता दिखाया, ठीक है, लेकिन वो उनके कर्म, मेरे कर्म, मैं वही हूँ, ठीक है। दिखावा में नहीं जाना है, अपनी एनर्जी में अपने ऑरा को बहुत स्ट्रांग बनाना है, एनर्जी को बहुत स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि जिंदगी मिली है तो इसे जीना भी सीखिए, खुलकर हंसना सीखिए। लोगों के बारे में मत सोचिए कि लोग क्या कह रहा है, उसको लेट गो कीजिए और अपनी पावर को देखिए, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और किसी को गाली ना दें। देखिए, किसी को पार्टनर अगर प्यार करते हैं तो कितने, मैं उस चैनल बोली कोई गाली दे रहा है, कोई चप्पल जूता से मारता है, तो ये प्यार नहीं है बेटा। जब आप किसी को इज्जत नहीं करते हैं तो आप कैसे इंसान हो सकते हैं, इसलिए गाली मत दीजिए। मैंने कर्म धर्म का पाठ पढ़ाया, इसको जरूर सीखिए, बहुत नॉलेज मिलेगा, बहुत ज्ञान मिलेगा, और आपके लाइफ में भी वो खुशियाँ आएगी जो आप चाहते हो। बट अपने आप को हील कीजिए, पॉजिटिव रहिए, और आप पार्टनर से प्यार करते हो, अगर आपको लगता है कि आप इस जर्नी में हो तो आपको पेशेंस रखना है, मैनिफेस्टेशन करना है, अपनी पावर में भी आना है, सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। आपने संघ की आवाज़ सुनी, हर जगह संघ, जब जब मैंने आप लोग को पार्टनर की बात की, संघ की आवाज़ आ रही थी। लेकिन मैं लास्ट में भी कह देती हूँ कि आपके पार्ट, जिस दिन आपका सिक्स और नाइन, शिव और शक्ति बैलेंस होगा, उस दिन आप दोनों एक होंगे और आपकी मैरिज भी होगी, और आपके चाहे वो दूल्हे राजा हो या दुल्हनिया हो, जो भी हो, वो रथ पे आएंगे सवार होकर या फिर हाथी पे सवार होकर। समझ गए? दीदी की बात मानो, एक स्माइल कर दो, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो, ग्रैटिट्यूड शो करो, ठीक है। ये सही है कि फ्यूचर प्लानिंग आपके साथ है, फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, चाहे उम्र की सीमा नहीं होती बाबू, उम्र नहीं होता, प्यार कभी भी होता है, रिश्ते निभाने चाहिए, ठीक है। तो चलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।